नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे यहाँ पर डीएटी ब्लैज के द्वारा हाल ही में जो 3 नए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएँ, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो नोटिस है, आप यहां पर डेट देख सकते हैं 28/9/21 को जारी हुआ है, रिजेक्शन नोटिस नंबर 372 जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए दिल्ली जल बोर्ड में अंडर पोस्ट कोड रहेगी 17/19। तो यहां पर रिजेक्शन के लिए जो है ये नोटिस जारी किया गया है और रीज़न क्या है इसका आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है, टोटल 30 कैंडिडेट यहाँ पर हैं और रोल नंबर इनके यहाँ पर दिए गए हैं और रिमार्क्स दिया गया है कि किस कारण से ये किए गए हैं। तो समय पे जो है ई डोसर पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे वो नहीं किए हैं किसी को जो है यहाँ पर EWS के कारण। तो इनका जो रीज़न है यहाँ पर ये साइड में दिखाए गए हैं, तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ये रोल नंबर हैं और किसके कारण जो है ये जैसे यहाँ पर OBC का जो सर्टिफिकेट है ये नहीं अपलोड किया गया। तो इस तरह से जो अलग अलग रीजन यहाँ पर सभी के बताए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नंबर 2 में कहा गया है कि वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट DATFLSP रिजर्व्स द राइट ऑफ रेक्टिफाई एरर्स एंड ओमिशंस इफ एनी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज। अगर किसी कारण से यहाँ पर कोई त्रुटि हो जाती है तो उनको ठीक भी जाए किया जा सकता है। तो ये तो जो यहाँ पर पहला नोटिस था, अब जब हम यहाँ पर जो दूसरा जो नोटिस है उसको देखेंगे। तो अब जब हम यहाँ पर जो दूसरा जो नोटिस है इस पर आ गए हैं, डेट आप देख सकते हैं 28/9/21 को जारी हुआ है, रिजल्ट नोटिस नंबर रहेगा 1371 जूनियर इंजीनियर सिविल में अंडर पोस्ट कोड रहेगा 17/19। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DATFLSP के द्वारा जो है ये और एडवर्टाइजमेंट रहेगी 3/2019, क्लोजिंग डेट थी 15/10/19, टोटल थी यहाँ पर 2-4 पोस्टर्स में। और नंबर 2 में दिया गया है कि बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम है Tier 1 ऑनलाइन मोड जो है ये 20/11/19 और 22/11/19 तक जो है लिया गया था। और तीसरे में जो है ये आप देख सकते हैं रिजल्ट नोटिस 1065 डेट 5/3/20 प्रोविजनरी शॉर्ट लिस्टेड ए टोटल ऑफ 1768 कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग ऑफ इन सेकेंड जो Tier 2 एग्ज़ाम था। आप क्या इसमें अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। तो नंबर 6 जो यहाँ पे इसमें कहा गया है कि ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स क्योर इन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड हैविंग बीन फाउंड प्रोविजनली एलिजिबल एज पर डॉक्यूमेंट अपलोड इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा। तो ये जो है यहाँ पर 201 कैंडिडेट हैं प्रोविजनली नॉमिनेटेड एज देयर मेरिट लिस्ट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PH OH OL UR कैटेगरी टोटल के 2 कैंडिडेट हैं, रोल नंबर आप यहाँ पर ये रहे और PH PDD के टोटल 1 जो है, उसके बाद EWS कैटेगरी टोटल 20 कैंडिडेट, UR कैटेगरी टोटल 49, OBC जो कैटेगरी है इसके यहाँ पर टोटल 62 कैंडिडेट हैं, SC कैटेगरी में 68 और SC कैटेगरी जो है यहाँ पर इसमें टोटल 27। और जो नंबर 7 है यहाँ पर इसमें कहा गया है कि द कैंडिडेट्स हैविंग Tier 2 रोल नंबर्स इतना और ये हैव नॉट बीन कंसिडर्ड अंडर EWS कैटेगरी, EWS सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है तो इस कारण से ज्वाइन करो ये इसमें कंसिडर नहीं किए गए हैं। बाकी जो आप अपने अनुसार यहाँ पर इसमें देख सकते हैं।
और जो यहाँ पर ये जो लिस्ट जो जारी हुई है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर में द मार्क्स ऑफ लास्ट प्रोविजनरी नॉमिनेटेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी आफ्टर दिस रिजल्ट। तो यहाँ पर जहाँ मार्क्स दिए गए हैं कैटेगरी ऊपर रहेगी 119, ओबीसी के 99 और एससी के 102, एसटी के 108, ईडब्ल्यूएस 109, पीएचओएच के 88, पीएचओएचओए के जो है यहाँ पर 92 और पीएचपीडीडी के 123.86। तो यहाँ पर कुछ वेटिंग पैनल लिस्ट भी दी गई है। तो द लिस्ट ऑफ वेटिंग पैनल सिलेक्ट पैनल टोटल 44 या यहाँ पर ये रहेंगे। इसमें पी एच ओ एच कैटेगरी का एक है और उसके बाद इसमें एक कैंडिडेट और है पी एच ओ एच ओ ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में 4, यू आर कैटेगरी के 11, ओ बी सी कैटेगरी के 13 कैंडिडेट हैं, एस सी कैटेगरी में 8, एस सी कैटेगरी 6 और द मार्क्स ऑफ लास्ट वेट लिस्टेड कैंडिडेट में जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कितनी मार्क्स इनके रहे हैं। यू आर में 118, ओ बी सी में 95, एस सी में 100, एस टी में 105, ई डब्ल्यू एस में 108, पी एच ओ एच ओ एल में 87 और पी एच ओ एच ओ ए में 86। और ये जो लेटर जो है इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो इन लेटरों को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें कहा गया है कि द सिलेक्टेड पैनल वेटिंग लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ यू आर इतने कैटेगरी फॉर द पोस्ट जूनियर इंजीनियर अंडर पोस्ट कोड इतना वैलिड अप टू 27/9/2022 तक। तो ये जो है यहाँ पर दूसरा नोटिस था। अब जब हम यहाँ पर जो तीसरा जो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है उसको देखेंगे। तो अब जब हम यहाँ पर जो तीसरा जो महत्वपूर्ण नोटिस है इस पर आ गए हैं। डेट आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस के लिए आया है और नोटिस नंबर है 1370। डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, पोस्ट कोड 41/15। तो रिजल्ट के लिए यहाँ पर ये जारी हुआ है। यहाँ पर भी वेटिंग पैनल के दिखाए गए हैं कैंडिडेट 3, यू आर कैटेगरी में 2 है और कैटेगरी टोटल 1 में 1 है। और यहाँ पर इसमें वेटिंग पैनल के लिए जो रिजल्ट है दिखाए गए हैं, यू आर में 147.22 मार्क्स और एस सी में 139.84 मार्क्स। और यहाँ पर भी इसमें जो है इसका वैलिड अप टू ये 23/8/22 तक दिखाई गई हैं। तो ये जो है यहाँ पर डी टी प्लस के द्वारा हाल ही में 3 नई महत्वपूर्ण नोटिस जो है जारी किए गए हैं। और अगर आप इन नोट्सों को देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी सीधे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।